हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की रिज़वान जाफर। कराची रोशनियों का शहर है, रसूल बिलाद है। कराची की रातें जगमगाती हैं, जहां दिन में लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और हमेशा कराची का मौसम साथ देता है। ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा, पूरे साल यहां पे काम होता है। वहीं कराची की शामें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। कराची में पूरे साल किसी भी मौसम में हवाएं चलती रहती हैं, इसीलिए कहते हैं कि एक्टिविटी के लिए ये शहर बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के लिए ये शहर बहुत ज़बरदस्त है। तो कराची की रातें जो हैं ख़ास तौर पे, जो कि बहुत ही मशहूर हैं और जगमगाती रहती हैं, रोशनी रहती है, तो ये रातें हमेशा जगमगाती रहें, ये रोशनियाँ हमेशा रहें, हमारी यही दुआ है। कराची की बात, हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, आपके फीडबैक से अंदाज़ा हो रहा है, और हमें यकीन है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएगा। कराची की बात करने आज हम आए हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स सब मेरे सामने बैठे हैं। और उम्मीद है कि आज जो हम कराची की बात जिस खास शोबे पे करने आए उस पर आप ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार करेंगे। वीआईपी कल्चर नज़र आता है हमें हर तरफ, और जब हम बात करते हैं वीआईपी कल्चर की तो ख्याल होता है कि हम बात कर रहे हैं अरबाब इख्तियार की, पॉलिटिशियन की, और उनके आगे और पीछे जो प्रोटोकॉल होता है, जो हम देखते हैं कि जब काफिला निकलता है तो आजकल तो टीवी चैनल्स जो हैं वो गाड़ियों की तादाद भी बता रहे होते हैं कि जनाब किसके साथ कितनी गाड़ियां आगे और पीछे चल रही हैं। तो इससे क्या फ़र्क, आवाम को क्या फ़र्क पड़ता है, या कुछ फ़र्क पड़ता है? कराची की अगर हम बात करते हैं तो कराची में हम देखते हैं कि एक कल्चर आया काफ़ी पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा, कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ आ गई, उम्र के नौजवान भी जो हैं वो अपने साथ प्रोटोकॉल लेके चलने लग गए। वो किसी ना सिग्नल का एहतराम कर रहे थे, ना कहीं रुक रहे थे। क्या आपको ये फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है कि कभी कोई आपको सिक्योरिटी नज़र आती है किसी प्रोटोकॉल के साथ, या अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या और कोई हाई डिग्निटी कभी कराची आती है तो कराची में अगर उसको बंद कर दिया जाता है, या कराची एक्सपो में अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से प्रोटोकॉल्स लगा दिए जाते हैं, तो क्या आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन आती है? क्या कराची के अमन के लिए वो नुकसानदेह है इस तरह के प्रोटोकॉल और इस तरह का वीआईपी मूवमेंट? हालांकि जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो लगाया ही इसीलिए गया है प्रोटोकॉल, ताकि अमन अमान का कोई मसला ना हो और खैर वाफियत से हमारे गेस्ट जो हैं वो इन सड़कों से गुजर सकें। तो क्या से कहेंगे आप, जनाब आपके ख्याल जानेंगे जी प्लीज़। हम सब अपने आप समझते हैं, अगर एक टीचर है वो क्लास में आ रहा है तो वो चाहता है कि मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, एक स्टूडेंट अगर पढ़ने आ रहा है तो वो भी चाहता है कि मुझे एक वीआईपी प्रोटोकॉल मिले। तो जिनके पैरामीटर्स थोड़े बड़े हैं, जिनको लोग जो है पॉलिटिशियंस कहते हैं या लीडर्स कहते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है इस बात पे कि उस लीडर को अपनी आवाम से डर लगता है। हैरत की बात है, ऐसा लीडर, क्या लीडर जो अपने लोगों अपने साथ उन्हीं आवाम में से चुने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को, और उन्हीं को तंग किया जाए, उन्हीं के रास्ते रोके जाए जिनके लिए वो आवाम से। तो लीडर को डर नहीं लगता, जब तो किसी लीडर से आप ये सवाल करेंगे वो कहेगा नहीं मुझे आवाम से तो डर नहीं लगता, लेकिन आवाम के दरमियान अगर कोई चंद दहशतगर्द छुपे हुए हैं जिनसे मुझे मेरी लाइफ जो है थ्रेट्स हैं, तो वही तो उन लोगों से डर लगता है। आवाम काम अगर ओवरऑल देखा जाए तो इफेक्ट आवाम को होता है, रास्ते आवाम के रोके जाते हैं, और ओवरऑल देखा जाए आपको तमाम सड़कों पे भी नज़र आ जाएगा, और इसके अलावा भी आपको दीगर इंस्टीट्यूट में नज़र आ जाएगा कि अगर रोका इफेक्ट जो पड़ता है वो बेसिकली आवाम पे पड़ता है, तो उनको इस तरह जो है काम करना शॉर्ट आउट हो जाए। हम इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं ख़ासतौर पर कि हम कराची में देर पर अमन आ सके, इसके लिए बात करें, तो ये अमन के लिए क्या ख़तरा है प्लीज़? उनका काफिला जाता है तो 15-16 गाड़ियाँ होती हैं, पुलिस वाले या सारे रीजनल वगैरह उनमें लगे हुए होंगे, तो आवाम को हम कौन फराम करें? वाह वाह जी, क्या पॉइंट इन्होंने दिया, ज़बरदस्त, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो ये जो निज़ाम है कि जिसमें चंद लोगों को बहुत अहमियत दी जाती है, तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन आती है इसके अंदर? बंदा एक लीडर को सेलेक्ट कर रहा है, समझता है ये हमारे लिए काम करेगा, वो करेगा, वही लीडर फिर आवाम के सामने
लेकर आए, लोगों को मुश्किलात दे, एम्बुलेंस फंसी होती तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमने इसलिए इनको वोट दे के हमने लीडर बनाया था कि हमें ही मुश्किलात दें, तो इसीलिए लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है और लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ती है कि जो कहते हैं वो फिर उनको उनसे हेरेसमेंट होती है और हेट करने लग जाते हैं उनसे, फिर वो उनके खिलाफ बोला खिलाफ, और इसलिए वो लीडर्स फिर इस तरीके से और ज़्यादा वो उनका प्रोटोकॉल देखते हैं हाई हाई होता जा रहा है दिन ब दिन, तो लोगों को इससे सिंपली बातें फ्रस्ट्रेशन तो आनी है। क्या नुकसान क्या है वीआईपी कल्चर के? नुकसान देखिए, एक तो हमारी जो आवाम है उसको हमें फैसिलिटेट नहीं कर पाते हम ठीक तरह से अपनी आवाम को, अगर आप पॉलिटिकल लीडर चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, एज अ रोल मॉडल हम चूज़ कर रहे होते हैं जिस पे हमें पूरा भरोसा होता है कि हमें बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, लेकिन फिर जब बाद में हम ये देखते हैं कि वो हमें अपना उसका आउटकम जिसके लिए हम उसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो आउटकम हमें नहीं दे रहा होता होना चाहिए, ये आवाम का राइट है कि वो फ्रस्ट्रेट होती है, इसी वजह से अमन अमान के सूरत हाल ख़राब होते हैं, वही फिर जब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनको उनकी बेसिक नीड्स प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा रही होती तो उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। अब एक बाप है वो अपने अपने बच्चों को तीन टाइम का खाना प्रॉपरली अगर नहीं दे सकता तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेटेड होगा और उसके लिए वो गलत अप्रोच ज़रूर हासिल करेगा, क्योंकि पेट की भूख जो होती है वो सबको कोई भी काम करने पर मजबूर कर देती है। ये जो वीआईपी कल्चर है इसका जो है वो खात्मा आप क्या समझते हैं कि ज़रूरी है? वीआईपी कल्चर जो है ये सिर्फ हमारी बनाई हुई चीज़ है, इसका खात्मा सिर्फ इसी हद तक हो सकता है कि या तो हमारी आवाम में शऊर पैदा हो जाए या हुक्मरानों में शऊर पैदा हो जाए, किसी एक में भी शऊर अगर पैदा हो जाएगा ये वीआईपी कल्चर का खात्मा निकल जाएगा। और जहाँ तक रही है सियासतदानों की बात, मैं कहूँगा उनको भी ज़रूरत है वीआईपी कल्चर की मगर एक मकदार में, तो हमारे ही वोटों से आए हैं इकतदार में और वो हमें फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। सारी बात आती है लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे हुक्मरान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने देखा होगा कि सब काम सब कुछ करके पढ़े लिखे हैं भाई, बड़े होशियार हैं, बड़े चालाक लोग हैं सर, आप नहीं कह सकते अगर हमारे सियासतदान पढ़े लिखे होते तो हमारा पाकिस्तान आज इधर नहीं होता। हमारे जो वीआईपीज है ना उनके लिए अलग पाकिस्तान है और गरीब आवाम के लिए अलग पाकिस्तान, यानी वीआईपीज के लिए अलग स्कूल है, गरीब आवाम के लिए अलग स्कूल, वीआईपी के लिए अलग अस्पताल, यहाँ के अस्पताल ही नहीं है, लंदन ही जाते हैं, और जो है वो गरीब आवाम के लिए अलग अस्पताल है, वीआईपी के लिए अलग दुनिया है और गरीब आदमी के लिए अलग दुनिया है, और यही वो वाहिद फ़र्क है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे कि हमने अपने को राइट्स नहीं दिए। तो क्या ये आप एग्री करते हैं कि ये वीआईपी कल्चर सिर्फ प्रोटोकॉल के नहीं है के अंदर नहीं है, हमारे निज़ाम के अंदर भी मौजूद है? जी निजाम को बदलना होगा, निजाम को अगर बदलना होगा तो उसके लिए मैरिट को लाना होगा, मैरिट को अगर लाना होगा तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा, अगर किसी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा देन वो कंट्री तरक्की की राह पे गामजन होगा। सेकंड चीज ये हम लिए रोड पे निकलना होगा, जब तक मैं और आप अपने घर पे बैठ के शऊर शऊर करते रहेंगे कि हमें शऊर नहीं है, आप में शऊर नहीं है, सारे बंदे में शऊर है, हर बंदा टीवी देखने वाला ये बात करता है कि ये बंदा बात गलत कर रहा है, शऊर अगर आपके अंदर है तो आप निकले अपने हक के लिए। मैं अगर चले मैं आपको एक कॉल देता हूँ कि निकले इस कॉज के लिए, इस कॉज के लिए सर, तो आप फेसबुक पे तो लाइक कर लेंगे लेकिन प्रैक्टिकल जो है जब मौका आएगा तो आप सर नहीं होंगे। ऑलराइट सर, आपका पॉइंट बिल्कुल राइट, जब रोड पे निकलकर गोली नहीं लगेगी जब तक मैं नहीं पिटूंगा तब तक कुछ नहीं होगा मेरा। आप देखिए जो मिलिट्री अकेडमीज वगैरह है वहाँ पर सिर्फ 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ एक सिस्टम इनकलकेट हो जाता है आपके अंदर। आज भी मैं रिटायर हुए हूँ, मुझे 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन आज भी मैं घर से निकलता हूँ तो जो ट्रेनिंग वहाँ हुई भी है चप्पल पहन के मैं कहीं मेहमानों को भी किसी को गेट वेल पर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ 4 साल अगर यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो हमने हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस सिस्टम में ये बच्चे निकलें, तो जब निकल के अंदर जो है ना वो कल्चर आ जाए उसके अंदर। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त ख्याल का इजहार किया। ये निज़ाम इसलिए है क्योंकि हम हर शख्स को हर राइट और जो उसका बेसिक राइट बन तैयार नहीं है, तो जब तालीम का निज़ाम सबके लिए एक हो जाएगा, सेहत का निज़ाम सबके लिए एक हो जाएगा। नाज़रीन, कराची की बात करने आज हम आए हैं CPLC चीफ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जुबैर साहब, बड़े दिनों से चाह रहे थे आपसे मुलाकात करें क्योंकि सिविल सोसाइटी की आवाज़ और ख़ास तौर पर जो ये ताल्लुक़ है इदारों के साथ CPLC का, ये कुछ आवाम को बता भी सकें कि CPLC क्या कर रही है, सिटीज़न पुलिस लेजन कमेटी। जो लोग नहीं जानते पहले तो फरमाइए CPLC है क्या? देखिए CPLC स्टेट में
जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब गवर्नर थे सिंध के, तो ये इनका एक ब्रेन चाइल्ड था कि जो एक खलीज है पब्लिक और पुलिस में, उसको एक पुर करने के लिए एक इदारा ऐसा बनाया जाए जो एक ब्रिज बने। तो मकसद यही था कि हमारे जो शहरी हैं, वो जाहिर है कि अगर कोई क्राइम होता था तो वो उनको हिचकिचाहट थी पुलिस स्टेशन जाने में, रिपोर्ट करने में। उन्होंने कहा कि ऐसा इदारा हो जो शहरियों और शहरी जो है बआसानी जा सके, जो शहरियों की ज़बान बोलता हो, जो शहरियों के तासुरात को समझता हो, ठीक है, और फिर उसका रابطہ जो है वो पुलिस से हो। तो यही मकसद था और उनका जो ब्रेन चाइल्ड था उसको उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने भी देखा कि हाँ ये बिल्कुल ही सही सिमत है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आई। और शुरू में जो सीड मनी था जो इस इदारे को शुरू करने के लिए, वो उन्होंने दिए और माशाल्लाह बहुत आगे था। उन्होंने कहा कि पैसे जो मैं आपको दे रही हूँ वो टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप कंप्यूटराइजेशन करें, जो क्राइम है क्राइम डेटाबेस डेवलप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उनसे वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरे काफ़ी हद तक करे। एक वो वक्त था सर कि जब बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी आपके पास या बहुत ज़्यादा मसला था, खासतौर पर किडनेपिंग फॉर रैनसम, वो एक बड़ी वजह थी जब CPLC बनी थी तो। जी जी। उसके बाद फिर डकैती की वारदातें जिसमें घरों में डकैती हो रही है या कारोबार में डकैती हो रही है, फिर गाड़ियाँ छिन रही हैं, फिर मोटरसाइकिलें छिन रही हैं, फिर मोबाइल स्नैचिंग का एक दौर आया स्ट्रीट क्राइम का, वो तो खैर अभी तक चल रहा है, कम हो गया लेकिन चल रहा है। तो ये सारे अदवार देखें, जब CPLC फॉर्म हुई 1988 में, तो किडनैपिंग का क्राइम जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट था। और ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि एपिडेमिक की तरह ये 1988 के एंड में और 1989 में ये क्राइम जो है कराची में होने लगा। तो जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, तकरीबन 75 से 80 केसेस उस साल हुए। और क्योंकि ये क्राइम कभी नहीं हुआ, तो ना पुलिस को एक्सपीरियंस था ना किसी और इदारे को एक्सपीरियंस था उसको हैंडल करने का। अच्छा, और क्योंकि हमारी फॉर्मेशन तश्कील हो चुकी थी और जाहिर है कि जो लोग विक्टम्स थे वो कारोबारी कम्युनिटी से थे, आशना थे, वो बड़े कंफर्टेबल थे हमसे, तो हमने उनके घरों में जाके बैठना शुरू किया और वहीं से हमने अपनी तालीम, जिसको कहते हैं कि लर्निंग ऑन द जॉब वाली बात थी, ठीक है, कि लर्निंग ऑन द जॉब हमने की। और शुरू में जाहिर है कि उनको एक सहारा देना था और उनको इंसुलेट भी करना था पुलिस से, क्योंकि वो वैसे ही यहाँ पे एक परेशानी है और पुलिस जो है एक और परेशानी का सद्देबाब बन रही थी, ठीक है ना। तो वो हमने उनको इंसुलेट किया और फिर हमने जो नई नई तरकीबें सीखी फॉर नेगोशिएशन हेल्प की, देखिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। बिल्कुल, हम हमारे जो मेंबर थे, आप ब्रिज का जरिया बन रहे थे बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट और पुलिस के साथ, और खासतौर पे जो किडनैप हो रहे थे लोग उनकी फैमिलीज के साथ जो है जी। और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि साथ साथ हम अपना एक्सपीरियंस भी हासिल कर रहे थे और हम उनको रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर रफ्ता रफ्ता जैसे हम सीखे, तो पुलिस के साथ मिल के फिर हमने उन क्रिमिनल्स को पकड़ना भी शुरू किया और यही वजह थी कि ये क्राइम में कमी आई, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपनाई गई, उस ज़माने में कार्ड फोन्स होते थे, हमने पूरे कराची के जितना शहर है उसमें सारे कार्ड फोन जो है वो मैप किए हुए थे, तो हम अपने दफ्तर में बैठ के देख सकते थे कि जो क्रिमिनल है वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक। तो उससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती थी और जब हम ये इंफॉर्मेशन लॉ एनफोर्समेंट को देते थे तो उन्हें उनको पकड़ने में बड़ी आसानी हो रही थी। CPLC जो है वो क्या जी अपनाए हुए हैं और जो क्राइम हो रहे हैं उसमें जब आपको कॉल्स कोई करता है तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं और उसको उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या आवाम की क्या खिदमत हो रही है? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कहाँ हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप कोई भी कारोबार चला रहे हो तो आप तो कि भाई मेरी टारगेट मार्केट क्या है, कहाँ मेरी सेल्स हो रही थी, कौन से इलाके हैं। तो इस वक्त ये है कि हमारा जो एक कॉल सेंटर है
जो 24 घंटे चलता है, 24/7 चलता है. अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर 1.1 मिलियन कॉल्स ली. तकरीबन अगर इसको ट्रांसलेट करें तो शायद 4.5-5 हज़ार कॉल एक दिन की हो जाती हैं. ठीक है ना. हम वो कॉल्स लेते हैं, उसमें अलग अलग किस्म की कॉल्स आ रही हैं. और लेकिन ये हमने एक सहूलत दे दी, और मैं ये नंबर आपके तवसल से लोगों को 1102 बड़ा आसान नंबर है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं पाकिस्तान में. ठीक है ना. और 99% आप इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू. वेरी हाई एफिशिएंसी. मैं अभी विजिट किया आपके कॉल सेंटर का, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्टिव स्टाफ था और वो उसमें लगा हुआ था. इवन हमने भी बात करने की कोशिश की तो वो कॉल पे ही बात करते करते ही हमने जो रिस्पॉन्स कर सकते थे वो गर्ल्स और बॉयज़ उन्होंने की. सबसे पहली चीज़ हमने की क्या, हमें हम इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्शन करना शुरू कर दी. ठीक है ना. तो इससे हमें अब पता चल रहा है कि किस वक्त क्या क्राइम हो रहा है. ठीक है. दूसरी बात यह है कि जब लोग हमें रिपोर्ट करते हैं 1102 पे, तो हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं. हम जो है वो उसका एक वो हमारा एक फॉर्मेट है जो हम PTA के साथ अग्रीड अपॉन है, और वो फ़ोन को जो है डिसेबल. अगर मोबाइल स्नैचिंग की कॉल आई, जी मोबाइल कॉल आई है, तो आप उस मोबाइल को जो उसी वक्त तो नहीं, उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है. हाँ. लेकिन उसका एक प्रोसेस है, जाहिर है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि बाकी जिन साहब ने कॉल किया ये इन्हीं का फ़ोन है. ठीक है ना. अच्छा. और ये है कि अपना शहरी दूसरी वजूहत से भी फ़ोन करते हैं, गाड़ियाँ जब उन्होंने ख़रीदनी है तो उसकी तस्दीक करना चाहते हैं कि ये गाड़ी किसी क्राइम में थी. शहरी और ज़्यादा ताबुन हमसे करेंगे, हम समझते हैं कि हम सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं. बिल्कुल. और ये यही है. देखें हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की. आप देखें कि सेल फोन से बेताशा एक्सटॉर्शन की कॉल्स आती थी, और उस ज़माने में जो सिम्स थी वो वेरीफाइड नहीं थी. हमने ये मुहिम शायद 2001 या 2002 में शुरू की थी, और तकरीबन 13-14 साल लगे, और फाइनली आके एक बहुत बड़ा अच्छा सलूशन मिला है. मैट्रिक्स है. ठीक है ना. कि आप सिम लेने जाते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक से उसकी तस्दीक की जाती है, ताकि वो सिम जो है उसकी ओनरशिप आपकी है. ठीक है ना. जाहिर है क्रिमिनल इस्तेमाल. मोबाइल लोकेटर्स भी आपके पास हैं कि आप खासतौर पर टेररिज्म कहीं हो रहा है उसके ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकें कुछ इस तरह से. देखें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये बड़ा हसास इक्विपमेंट है. ठीक है. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो लोकेटर है उसकी कॉस्ट हमने अदा की थी, लेकिन जो उस रिहाइश है उसकी वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के, और वो एक्सक्लूसिवली हमारे केसेस पे इस्तेमाल होती है. अब कुछ ज़रा फिगर्स फरमाइए, आपके पास तो होंगे फिगर्स कि अब अगर हम बात करें एक महीने की लेटेस्ट या साल की, तो कितनी गाड़ियाँ छिन रही हैं कराची में, कितनी मोटरसाइकिल छिन रही हैं, कितने मोबाइल छिन रहे हैं, कितनी डकैती की वारदातें हो रही हैं. अल्लाह का बड़ा शुक्र है इसमें बड़ी कमी हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो जो कराची ऑपरेशन हुआ, कराची ऑपरेशन के बाद जो गाड़ियाँ स्नैच होती थी, ठीक है ना, वो कि इस वक्त 75% उसमें कमी आ गई. सर मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आते हैं. अब देखिए मोटरसाइकिल जो है वो कराची ऑपरेशन में जो स्नैच हो रही थी, अगेन स्नैच इज एट गन पॉइंट, 4539 व्हीकल्स वर बीइंग स्नैच्ड इन अ ईयर. ठीक है. जब ये तीन साल इस ऑपरेशन को हुए तो तीसरे साल में 2013 में जो स्नैचिंग थी वो 16,288 सेल फोन जो थे वो स्नैच किए गए थे, लेकिन जो थेफ्ट था वो आप देखें कि 12,000 फोन जो थे वो 2013-14 में चोरी हुए, और 2015-16 में 18,500 फोन चोरी हुए. तो देयर वाज एन इंक्रीज ओवर देयर. ठीक है ना. कराची के मुस्तकबिल से पूरी उम्मीद है आपके, खासतौर पे क्राइम के हवाले से जो है वो आप समझते हैं कि ये जीरो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हम बहुत लो पे आ जाएगा इंशाल्लाह. देखिए बात यह है कि आदमी हिस्ट्री और इसीलिए पढ़ता है और पीछे इसीलिए देखता है कि क्या हुआ. तो अगर हम तीन सालों का सिर्फ रिजल्ट देखें तो वो इतना अच्छा रिजल्ट है
तो मैं उसको बेस बना के ये कह सकता हूँ तवज्जो रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने वक्त की तवज्जो थी। दूसरा ये था कि जितने भी इदारे थे लॉ इन्फोर्समेंट के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, ठीक है, उन सब ने एक दूसरे के साथ तआवुन किया और ये तआवुन का नतीजा है। अगर यही फोकस रहा तो मैं समझता हूँ कि हालात और भी बेहतर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई साहब आपसे बात कर, और लोग मुतमईन भी हुए होंगे कि काम हो रहा है बेनतहा। और जैसा कि आपने मैसेज भी दिया कि अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, किसी भी किस्म के किसी भी क्राइम का शिकार होते हैं, तो आप जो हैं कराची के कराची में इनको फैसिलिटेट किया जाए। और कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हर जगह यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के फुटपाथ पर, यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के हेल्थ सेंटर्स में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, हर जगह आपको एक स्पेस नज़र आए कि कोई सोच रहा है डिसेबल्स के लिए। इसीलिए हम आए हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है नाओ PDP, इस इदारे में आज हम आए हैं जो डिसेबल्स के लिए और डिसेबल्स के नेटवर्क के लिए ख़ासतौर पर पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। ये इदारा क्या कर रहा है और जो डिसेबल्स लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये बहुत ही काबिल एहतराम है हमारे लिए, और इनसे हम बात करेंगे। लेकिन से पहले जो जो इनके लिए काम कर रहे हैं लोग, उनसे बात करते हैं। प्रेसिडेंट नाओ PDP अमीन हाशमानी साहब हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीन हाशमानी साहब। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट हैं IIM कराची के भी और सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट, पाकिस्तान के एक मारूफ इंटेलेक्चुअल हैं, और बड़ी खुशी हुई जब हमें भी पता चला कि आप इस ख़ास शोबे में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस इदारे में? ये इदारा तकरीबन 10 साल पहले बना था, एंड एक सर्वे हमने किया था उस वक्त के जो डिसेबिलिटी सेक्टर है कराची की, इंटायर पॉपुलेशन इतना बड़ा है पूरे पाकिस्तान में, इट्स अ बिग इशू। 95% लोग जो है जो जिसको डिसेबिलिटी है, ना तो कोई प्रॉपर एडुकेशन, प्रॉपर हेल्थ, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इस सेक्टर में काम करना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेटेजिकली काम करना। लोग कोई स्कूल खोले हुए, सब कुछ सही है, लेकिन ऑन अ बिग स्केल वी नीड टू डू दैट। सो नाउ PDP का वेरी लार्ज पूरे पाकिस्तान के पर है। सो वी डू एडवोकेसी, कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हम इंगेज करते हैं। सबसे फंडामेंटली चीज़ ये है जो मेयर भी आपको बोलेगा कि हमारे यहाँ एक तासुब है कि ये माजूर है, इन पर एक अफसोस से देखा जाए, राइट? फॉर अस हम हमेशा कहते हैं ये लोग है, डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि पीपल विद स्पेशल एबिलिटी है। इनमें भी वही सलाहियतें हैं एक तरह, मैं भी डिसेबल क्योंकि मैंने चश्मे पहने हुए हैं, राइट? मेरी भी नज़र कमज़ोर। सो एक अगर लेकिन सोसाइटी उसको डिसेबल करती है, क्योंकि सोसाइटी वो एक इन्वायरमेंट नहीं देती है जहाँ लोग जो है इनकी जो स्पेशल है वो उजागर हो सके। इसकी वजह से वो एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, हालांकि ये एसेट्स होने चाहिए। अगर तरीके से उसको माहौल दें तो ये एसेट्स हैं। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी हैं इसके अंदर। बिल्कुल, ये मेयर अहमद हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जो मेयर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? अभी अमीन साहब ने भी यही बात की कि हमारी जो माजूरों की आबादी है वो तकरीबन कराची की टोटल आबादी जितनी है, 10-15% आपके किसी भी मुल्क के अंदर आबादी जो होती है वो किसी ना किसी माजूरी में मुबतला होती है। अब ये ऐसा नंबर है जिसके साथ ज्यादती भी पेश आई है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमारी मर्दमशुमारी हुई थी जिसके अंदर जो टोटल नंबर आया है माजूरों का वो 1 मिलियन से भी कम या 10 लाख से भी कम आया है। ये नंबर जो है तकरीबन 0.1% या 0.25% से भी कम बनता है आपके टोटल आबादी का। और ये ज़्यादती इसलिए है क्योंकि आप यही लोग जितने अंडरस्टेट करेंगे इनके नंबर्स तो उनके साथ रिसोर्सेज, उनको उतने ही मौके कम मिलेंगे, पॉलिटिशियंस कम उन पर अटेंशन देंगे, सियासतदान कम उनके बारे में सोचेंगे। तो अगर आप आबादी के जाएँ तो नंबर्स इतनी बुरी तरह अंडरस्टेट किए गए हैं कि इन्हीं लोगों की आवाज़ अब सुनना बहुत बहुत मुश्किल हो गई। ठीक है, नाओ PDP की हेड ऑफ प्रोग्राम समर नकवी हमारे साथ हैं। नाओ PDP के लिए कोई ऐसी चीज़ के जो आप कहना चाहें रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट से या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने इदारे को और बेहतर करने के लिए कोई वॉइस रेस करना चाहें, या डिसेबल्स के लिए कुछ बोलना चाहें? हम लोग का हमें फोकस यही है कि
सब मिल के साथ काम करें। अक्सर ये होता है कि हमने जो चैलेंजेस फेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे थोड़े होते हैं, लेकिन साथ साथ में माजूर अफराद साथ काम करने के अंदर उनको ये अपनी सलाहियतों को का एहसास दिलाना वो भी थोड़ा सा कभी कभी चैलेंज हो जाता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं रोज़गार की तलाश में निकला तो तालीम क्या मुकम्मल किया? मैंने मास्टर्स किया है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है जनाब। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक, और उसके बाद फिर चैलेंजेस मुझे लगता था शायद यहाँ पे ही होंगे, जब मैं तालीम मुकम्मल कर लूँगा तो मेरे चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन रोज़गार में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस करा और मैं मीडिया ही को फील्ड को अपनी फील्ड बनाना चाहता था। रेडियो मैंने चुना कि कम अज़ कम टेलीविज़न ना सही तो रेडियो को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँ। तो कराची ही में अपन 8 रेडियो स्टेशंस में अप्लाई किया और 8 रेडियो स्टेशंस ने मुझे सिर्फ इस बुनियाद पे रिजेक्ट कर दिया कि मैं क्योंकि देख नहीं सकता तो आपको हम नहीं रख सकते क्योंकि आप देख नहीं सकते। लेकिन मैंने खैर हिम्मत नहीं आ रही और अल्टीमेटली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रेडियो में मौका मिला और मैंने ये प्रूफ किया कराची वालों को और पाकिस्तान वालों को कि विजुअली इम्पेयर्ड भी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं और रेडियो कर सकते हैं और मीडिया की फील्ड में कर सकते हैं। वाओ एक्सेलेंट। और आपका मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। कि जब हम लोगों के कोई ऐसी एसोसिएशंस या ये लोग कोई एजुकेशन के हिसाब से कोई बिल्डिंग या कोई वो इदारा तैयार करते हैं तो उसके लिए इन लोगों को जो बिल्डिंग्स अलाट की जाती हैं वो एरिया में बहुत अंदर जाके होती हैं जो होती हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश ये है कि ये लोग मेन रोड्स या ऐसी जगहों पर दें जहाँ हम लोग आसानी से आए जाएँ, क्योंकि जो है वो हम लोगों को पहले ही यहाँ के सिटी की ट्रांसपोर्ट और रोड्स का जो हाल है वो आप लोगों के सामने। माजरत के साथ, तो पहले के जो एजड लोग थे वो तो पहले भी हेल्प करते थे और अब भी हेल्प करते हैं, लेकिन नौजवान जो जितने भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल हेल्प नहीं करते, पास से गुजर जाते हैं बल्कि मजाक उड़ाते हुए जाते हैं, यार तुम किन चक्करों में पड़ गए यार। तो ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आवाम का जो है ना, ख़ास तौर पे जो पढ़ी लिखी आवाम है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, ये ब्लाइंड खड़ा रहता है कारों में जा रहे होते हैं या बाइकों पे, तो बिल्कुल वो इन चीज़ों की तरफ मतवज्जो नहीं होते। जदीद शहर जो है पाकिस्तान का वो कराची है, तो अगर इसमें रखा जाएगा और ख़ास तौर पर हुकूमत नहीं करेगी तो फिर जो है ये कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, खुशी हुई, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत सारे इदारे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है। नाज़रीन आइए कराची को मिलकर बेहतर से बेहतर बनाएं, एक तरक्की याफ्ता शहर बनाएं, एक जदीद शहर बनाएं और उसके लिए आपको और मुझे हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगर आप कराची के लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसे मीडिया में दिखाया जाए तो आप हमसे रब्ता कीजिए। कराची में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोग मुख्तलिफ जगहों पर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कराची की बेहतरी के लिए ये काम मीडिया पर आए तो उसके लिए भी हम वीकेंड्स पर हम देखते हैं ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरे हफ्ते ही, कि कराची में लातादाद इवेंट्स हो रहे होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं इसको हमारे प्रोग्राम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में दुनिया में दिखाया जाए ताकि कराची का ये चेहरा भी दुनिया में देखा जाए, तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके फीडबैक से अंदाज़ा हो रहा है कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, हमारी कोशिश है कि कराची को बेहतर से बेहतर अंदाज में हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखा सकें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए।